अगर देखना चाहते हैं आप हमारे जबरदस्त वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन और ऑल पर टैप कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो टाइम से मिलते रहे। जय श्री कृष्णा। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज गोलू शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल जीरो स्टार डांस कंपनी में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे किड्स डांस के 5 बेसिक स्टेप यानी कि पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो आप लोग पार्ट 1 का लिंक वहां से दे सकते हैं। अगर आपको लिंक वहां भी ना मिले तो ऊपर आई बटन पे जाइए तो वहां आपको इस वीडियो का पूरा लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टेप का नाम बता दूं। स्टेप का नाम है स्टेप टू गैदर। तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा दूं। दोनों पैरों को बंद करना है और दोनों हैंड को अपनी ब्रिस्ट पर रखना है यानी कि अपनी कमर पे, ठीक है। फिर यहां से हम लोग स्टेप करेंगे, पहले राइट की तरफ, राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, काउंट करना है 8 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन स्टेप के साथ में आपको बॉडी का भी यूज करना है। बॉडी कैसे यूज करनी है, आपको नी पॉइंट का सपोर्ट चाहिए इसमें और शोल्डर का चाहिए, यानी कि नी को डाउन करना है और शोल्डर को आगे तरफ पुश करना है हल्का हल्का, ठीक है। और लेकिन मूवमेंट के साथ में कैसे करते हैं वो देखिए। 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप का नाम है हमारा स्टेप बैक। ये कैसे करते हैं वो देखिए। तो आपको दोनों पैर को ओपन रखना है इस तरह से, ठीक है। ओपन कर दिए, आपको राइट पैर को लेफ्ट के पीछे रखना है इस तरह से, दोनों हैंड को रखना है ये कमर पे, ठीक है। फिर पैर को बैक करना है, फिर आपको दूसरा पैर यूज करना है यानी कि उल्टा वाला पैर बैक राइट के पीछे रखना है फिर बैक करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार स्पीड के साथ करते हैं। 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप का नाम है टैप। टैप कैसे करते हैं वो देखिए। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में मोड़ देंगे, ठीक है। दोनों हैंड आपकी रहेंगी कमर पे, तो आपको लेफ्ट पैर से टैप करना है लेकिन नीचे पुश करना है इस तरह से। 1 2, फिर आपको टर्न करना है राइट साइड में, फिर राइट पैर से करना है 3 4, फिर लेफ्ट से करना है 5 6, फिर राइट से करना है 7 8, यानी आपको पैर को नीचे मारना है। तो एक बार स्पीड के साथ करें। 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथे स्टेप का नाम है हेलो। तो स्टेप को ये करते कैसे वो देखिए। दोनों पैर को ओपन करेंगे, ठीक है, और एक हैंड आपका रहेगा ये कमर पे, दूसरा हाथ रहेगा ऊपर यानी कि उल्टा वाला नीचे और राइट वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। फिंगर को ओपन करेंगे, इसको मैंने सिखा चुका हूँ वीडियो में, इसको जैज हैंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर करेंगे, जहां आपका हैंड मूवमेंट करेगा वही आपकी कमर भी मूवमेंट करेगी, यानी कि लेफ्ट जाएगा तो लेफ्ट साइड में ये कमर जाएगी, राइट जाएगा तो राइट साइड में ये कमर चलेगी आपकी, ठीक है। तो आपको 8 टाइम करना है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साथ में आपको नेक को भी यूज करना है, यानी कि नेक कैसे यूज करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें स्टेप की तरफ। पांचवा स्टेप का नाम पता है नहीं ना, तो मैं बताता हूं क्या नाम है। पांचवें स्टेप का नाम है हाई और बाय, यानी कि आई और जाय, ठीक है। तो वो स्टेप आपको करना कैसे, सेम मूवमेंट रहेगा आपका जो आपने पहले किया था। पहले स्टेप में आपका हैंड सिंगल था ना ऊपर, इसमें हम लोग दोनों हैंड को ऊपर कर देंगे इस तरह से, ठीक है, कर दिया ना ऊपर। तो इसमें आपको डाउन करना है हैंड को, फिर ओपन करना है, फिर डाउन करना है, ओपन करना है, और बीट आपका जो कमर का था वो सेम रहेगा। कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार स्पीड के साथ करते हैं।
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. तो एक बार सारे स्टेप म्यूजिक के साथ करते हैं, यानी कि स्क्वीज दे। चलिए 5 6 7 8. दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और साथ में अपना कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन भी। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको न्यू वीडियो का लिंक नहीं मिलेगा। सो प्लीज बेल आइकन दबाएं और न्यू वीडियो का आनंद लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।